44 वर्गों टीकाकरण बंद रही 9 केन्द्र में टीकाकरण बंद रही ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग को सामयिक समय पर बंद रखी बीएमसी अनेपटे 45 वर्ष रु अधिक वयस्कों पर सहज हो टीकाकरण आज सहर आपार्टमेंट गुड़िक आरंभ हो डोर स्टेप वैक्सीनेशन राजधानी रे टीका संकट प्रथम डोज देथिबा लोकंकर द्वितीय डोज देबा समय हेलाणी हेले स्लॉट मिलू नाही विशेषकर 18-44 वर्ष वर्ग पाई टीका अभाव देखा देछि टीका नथिबारु ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग टोकन माध्यम रे टीका दान को मध्य स्थगित रखिछि बीएमसी भुवनेश्वर रे 9 स्वतंत्र बा टोकन टीकाकरण केन्द्र रे युवा वर्गक टीका दान को स्थगित रखा जाइछि अन्यपटे 45 वर्ष रु अधिक वयस्कक टीकाकरण जारी रहिछि अभाव तो मुझे कहबिनी जिते बम कोवैक्सीन टीका आसिकी पहुँचे निश्चित भाव में आमर जो माइक्रो प्लान तैयारी से आमर प्रायोरीटी रोजे जो लोक मैंने फास्ट डोज नहीं कि भाव 42 दिन पूर्व निजर सेकेंड डोज निवर्त पर्यायर आम पुणी थे 18-44 जो मैंने बिल्कुल वैक्सीनेट होना गोटे भी डोज नहीं ना से दिखाई टीका आसवापी बर्तमान स्थगित रखा बीएमसी सूचना मुताबक सहर रे वर्तमान सुधा 45 वर्ष रु अधिक वयस्कंकु 100% प्रथम डोज टीका दिया जाइछि 45 वर्ष रु अधिक वयस्कंक टीकाकरण को आहुरी सरलीकरण करा जाइछि सहर रा 3 जोन रे मोट 6 आपार्टमेंट रे आरंभ होइछि डोर स्टेप वैक्सीनेशन 100 रु ऊर्ध हिताधिकारी थिबा आपार्टमेंट को चयन करी प्रति केन्द्र रे 200 लोकंकु टीका देबाकु टार्गेट रखिछि बीएमसी यहाँ बहुत आमको सहयोग हो बहुत सुविधा भी होची एवं आमर डोर स्टेप आसिकी माने बीएमसी एवं राज्य सरकार आसिकी आमको जो वैक्सीनेशन दौंती या आमे बहुत खुशी बड़ो बड़ो हाउसिंग सोसाइटी रे 45+ एज ग्रुप पाई आमे टीकाकरण आरंभ करिछु सो दैट जो मैंने गोटे जगह जदि हाउसिंग सोसाइटी रे आमको 100 रु बेसी नंबर आमे पाउचु 45+ बेनिफिशरी पाई आमे सेठी जाइकी टीकाकरण आमे भारत सरकारंकर गाइडलाइंस एवं राज्य सरकारंकर गाइडलाइंस फॉलो करिकी आमे आरंभ करिछु मे 3 रु 28 तारीख मध्यरे 18-44 वर्गर 151,426 जनकु प्रथम डोज टीका दिया जाइछि एमाने जून मासरे पूर्ण द्वितीय डोज देबे मात्र टीकार अभाव जोगु द्वंद्वरे युववर्ग भुवनेश्वर रु कैमरामैन चितन स्वाईं सह सुमंत सुंदराय न्यूज 18 ओडिया राज्य में प्रथम कटक रे आज आरंभ है एक्सरे ऑन व्हील व्यवस्था कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन में रोगी पाखे पहुंचे एक्सरे सुविधा दिव्यांगों घर को जाई एक्सरे हॉस्पिटल अजथा भिड़ कम गुरुतर होगा पूर्व संक्रमित चिन्हट कर चिकित्सा जोगाई देबा एक्सरे ऑन व्हील लक्ष्य महामारी समय हॉस्पिटल भिड़ कम प्रयास कटक रे आरंभ है एक्सरे ऑन व्हील व्यवस्था 2 स्वतंत्र गाड़ी रे पोर्टेबल एक्सरे रो व्यवस्था करा जाइछि रोगी को आउ डाक्तरखाना को आसीबा पई पड़िबो नाही फोन कले एही गाड़ी कोविड केयर सेंटर किंबा होम आइसोलेशन रे थिबा आक्रांतों को पाखरे पहुंची जीवो सेमानों को एक्सरे करिबो आउ अवस्था गुरुतर हेबा पूर्वरु संक्रमितों को चिन्हट करा जाई पारिबो गला किछि दिन हला कटक शहर समेत समग्र जिल्ला रे कोविड आक्रांतों को संख्या वृद्धि पाइबारे लागिछि फलरे एकाथरे संख्याधिक रोगी हॉस्पिटल को आसुछंती जेउथिपई समस्या सृष्टि हेउछि एक्सरे ऑन व्हील व्यवस्था द्वारा एही समस्यार समाधान होई पारिबो एक्सरे ऑन व्हील्स नामरे एक अभिनव कार्यक्रम नौछु जोथरे कि आमे पोर्टेबल एक्सरे मशीन आमर जो कोविड केयर सेंटर्स रहिछि सेठी जो कोविड रोगी माने रहिछन्ती एवं होम आइसोलेशन रे जो रोगी माने रहिछन्ती सेमानंको पाखकु पठेई आमे तांकर एक्सरे नबापई योजना करिछु कटक सहररु प्रतिदिन 30-40 कोविड आक्रांत अति संकटापन्न अवस्था रे हॉस्पिटल को आसुछंती विलंब कारणरु अनेक रोगींकर जीवन चली जाउछि फुसफुस रे संक्रमण बढ़ी जिवारु सेमानंकु बंचाइबा कष्टकर होई पडुछि ठीक समय रे छाती रो एक्सरे करा गले रोगींकर संक्रमण स्तर जणा पडिबो एवं सेमानंकु उपयुक्त चिकित्सा मिलि पारिबो जिला प्रशासन रो एभली पदक्षेप को स्वागत करिछंती सहरवासी ये पदक्षेप आम यह जापर कि लोक एक्चुअली डिटरेट करा जाऊँ तेणु आम इमीडिएटली आउ अपेक्षा नक ट्रांसफर करदे पार प्रत्येक दिन एटलिस्ट 30-40 लोक 90 तले सैचुरेसन आम नहीं आसो जदि से आगु आईडेटिफाई हो
ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡ଼େନ୍ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ। ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 70, 72, 75 କି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଟିକେ ଏକ୍ସରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଆନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର, ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏ ଜିନିଷ। କଟକ ସହରରେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 4000 ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ଏକ୍ସରେ କରାଯିବ। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।